राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर के बीच में छोटा सा शहर है नागौर। यहाँ का किला अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसे अछत्रपुर किला भी कहते हैं। चौथी सदी में बना ये रेतीला किला राजपूत मुगल आर्किटेक्चर की मिसाल है। उस समय नागौर पर मुगलों का राज था। नागौर किले का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अछत्रपुर किला अर्जुन द्वारा जीता गया था, जिसे अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट में दिया था। ये किला वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इस किले की सीमा 5000 फीट लंबी है। आइए जानते हैं इसकी कहानी। इस किले से कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। यह राजस्थान के समतल भूमि पर बना किला है, जो अपनी ऊंची दीवारों और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। इस किले को अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए आगा खान अवार्ड 2013 में मिल चुका है। यही नहीं, यहाँ मौजूद कई इमारतें मुगल शासक शाहजहां और अकबर ने भी बनवाई थी। इस किले के अंदर खूबसूरत चार बड़े महल हैं, जिनमें भक्त सिंह महल, अकबरी महल, दीपक महल और हांडी रानी महल शामिल हैं। ये महल 17 से 19वीं सदी के बने हुए हैं। इनकी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, जो राग रागनी, महिलाओं की जीवन शैली, मौसम और पेड़ पौधों को दर्शाती हैं। हांडी रानी महल की बात करें तो इस महल की दीवारों और छत पर महारानी हांडी रानी के खूबसूरत चित्र बने हैं। वहीं भक्त सिंह महल में इसके इतिहास से जुड़ी साजिश शामिल है, लेकिन यह भी एक खूबसूरत महल है। ये महल भक्त सिंह को अपने पिता की हत्या करने पर तोहफे में मिला था। अकबरी महल की बात करें तो इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर मुगलों और राजपूतों की शैली में है। वहीं दीपक महल की दीवारों पर खूबसूरत फूलों के डिज़ाइन हैं और ये महल काफ़ी हवादार है। इसे आबो हवा महल भी कहा जाता है। मुगल गार्डन और फव्वारे इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इस किले में 90 फव्वारे और एक खूबसूरत मुगल गार्डन है। इस किले में कई मंदिर और मस्जिद हैं, जिनमें ज़्यादातर कृष्ण और गणेश भगवान के मंदिर हैं। यहाँ 5 गुंबद वाली मस्जिद भी है, जो मुगल शासक अकबर ने बनवाई थी। यहाँ पर सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह भी है। इसी के साथ ही किले के भीतर राजपूताना शैली में बनी हुई सैनिकों की सुंदर छतरियाँ भी हैं। इस किले में जाने के लिए 3 द्वार हैं, सिरे पोल, बीच का पोल और कचहरी पोल। मुख्य प्रवेश द्वार लोहे और लकड़ी के नुकीले किलों से मिलकर बना है, जो दुश्मनों और हाथियों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। ये राजस्थान का ऐसा किला है जो समतल जमीन पर बना है।